कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो करती हैं आज के ब्लॉग का स्टार्ट। आज मैं आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर। आई होप कि आपने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं इस जगह की बहुत ज़्यादा मैंने तारीफ़ सुनी थी और कई दफ़ा मैंने गुजरते हुए यहाँ से देखा था कि यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए होते थे और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के टूर आए हुए होते थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें जो है ना ये जगह दिखा के लाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा आप सबके साथ भी मैं शेयर कर दूँ। एक हिस्टोरिकल प्लेस है और जो इसकी हिस्ट्री है वो आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। तो करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। देखें यार, ये सारे जो है ना ये खंडरात हैं, तो बड़े मज़े की जगह। शाम के टाइम व्यू अच्छा हो, तभी तो तपती जो है ना इधर धूप है। और ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, ये इनकी ना शॉप्स होती थी, मतलब दुकानें जिसको कहते हैं ना, यहाँ पे ठेले लगा के मतलब बैठते थे। और ये जो है ना इनका जो इधर लोग आते हैं, जो मतलब आप देखें ना कोस्टरें आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की ट्रिप्स आती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लोग मतलब टूर के लिए आते हैं। ये ना बुद्ध मत के ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ये सारे इनके घर बने हुए थे। आप लोगों को पता होगा कि टेक्सला जो शहर है वो ना जलजलों का शहर इसको कहते हैं। यहाँ पर आई थिंक 3 के 4 बार जलजला आया और पूरा शहर जो है ना वो उलट चुका था। और उसी मतलब सीन में ना ये सारे लोगों के जो है ना घर थे, ये इनकी इबादत गाहें थी। जैसे हम लोग खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं ना क्लॉक वाइज, उसी तरह ये लोग भी ना इसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते थे। और यहाँ से ये लोग नंगे पाँव जाकर जो है ना ये करते थे, यहाँ पर इबादत करते थे, यहाँ पर अपनी मतलब मन्नत मांगते। जैसे हमारा हजरे अस्वद है ना, उसी तरह ये इन लोगों का ना ये पत्थर था। ये आप देखें, आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। पूरी आपको मैं इसकी एंट्री दिखाऊंगी। बहुत ही मतलब अच्छी जगह है ये, सुकून है जिसको, हिस्टोरिकल प्लेस। और यहाँ पर जितने भी मतलब लोग रहते थे, उनके जो सामान्य आजाइश है, सामान्य आराइश है, सामान्य आसाइश है, जो भी आप समझ लें, मतलब जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, यहाँ की औरतों की ज्वेलरी वगैरह, वो जब टेक्सला की खुदाई हुई थी तो जो चीज़ें निकली थी वो टेक्सला म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। वो भी बहुत ही अच्छी जगह है, तो उसकी भी मैंने जो है ना वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी मेरे चैनल पर जो है वो मौजूद है, अ डे इन टेक्सला म्यूज़ियम। वो भी आप लोग जो है लाजमी विज़िट कीजिएगा। और ये सारा मैं आपको जो है ना वो दिखाती हूँ, ये देखें, ये सब जो है ना अब एक हिसाब से खंडर ही रह गए। ये पूरा एक जिसको कहते हैं ना कबीला यहाँ पर रहता था, और जब ये टेक्सला में जलजला आया तो ये पूरा टेक्सला उलट गया था। तो ये जो है ना अब इनकी दीवारें इस तरह, पता नहीं इन्होंने खुद अब तामीर की हुई हैं कुछ। ये आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं जस्ट फॉर फन यहाँ पर आई हूँ। मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। और ये देखें, ये इनके, ये देखें ये अंदर ये इनका बना हुआ है, ये पाँव वगैरह इनके, ये देखें। ये गौतम बुद्ध आपने 9-10 की बुक्स में पढ़ा होगा। ये देखें, ये इनकी मूर्तियां हैं और ये मुजस्मे इनके मतलब जो है ना इस तरह से।
ये देखें, ये है वो गुंबद जिसका मैं आपको बता रही थी, ये सारा। और इस दरख्त को देख के ना मुझे डर लग रहा है, ये पीपल का दरख्त है। मेरे हस्बैंड मेरा जो है ना मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ 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 ये कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह है। खानदान रहता था, अब हम वापस जा रहे सुन लें यार, ये गौतम बुद्ध का पूरा शहर था, और जब जलजला आया था जैसे तुर्की में आया है उन पे अजाब आया था, जलजला तो आया था साथ अजाब भी आया था, तो ये सारा शहर जो है ना उलट पुलट हो गया था। ये देखें सिर्फ कमरे रह गए यहाँ पे, ये अंदर बढ़ाइए इनका मेन गेट। ये अंदर ना ये बुतों की पूजा करते थे, तो ये अंदर ये देखिए बुत है, और इनके गलों में ना हार जो है ना वैसे ही टंगे हुए हैं। या मैंने आपको बताया ना मैंने कितनी दफ़ा यहाँ से गुजरते हुए इस तरह देखा है, यहाँ पे चाइनीज़ आते हैं इतनी, मतलब यहाँ पे टूर आते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के। मैं कहती हूँ पता नहीं आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ, और मुझे अब मैं कह रही हूँ कि पता नहीं लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं, क्या देखने के लिए आते हैं। और ये जो है ना इनका तालाब था, यहाँ पर पानी, ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लोग पहले गुस्ल लेते थे, और फिर जो है ना उधर जाके अपनी जो इबादत इनकी वर्शिप वगैरह होती है वो करते थे। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये क्या बना हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।